हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाश्ता सुबह का या शाम का नाश्ता बनाना, और वो भी चटपटा, रोज एक ही नाश्ता नहीं खाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली हूँ, और कढ़ाई में 4-5 चम्मच मैंने नमक डाल दी हूँ। कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस का फ्लेम फूल रहना चाहिए, और देखिए कढ़ाई गर्म हो गया। उसके बाद मैं नमक डाल दी हूँ, और नमक के बाद 1-2 सेकेंड बाद देखिए चावल डाली हूँ। चावल वही जो कि चावल बनाते हैं हम लोग भात, उसी का उसना चावल जो है वही करना, क्योंकि उसना अरवा चावल ये इसमें भुंजा नहीं बनता है, क्योंकि उसना चावल को एक बार उबाल के फिर किससे इसको चावल बनाया जाता है। इसलिए ये देखिए चटक रहा है, ये पूरे अच्छे तरह से सब चटक जाएगा। उसके बाद इसको हटा देंगे, कैसे, वो छन्नी की मदद से अब हटाएं। नमक इसी में रह जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा इतना नमक कैसे खाएंगे, नमक इसी में रह जाएगा। छन्नी द्वारा इसको देखिए छान के इसको हटा देंगे। सारे देखिए सारे चावल चटक जाना चाहिए, सारे एकदम पूरा फुला फुला हो जाएगा। उसके बाद इसको हटाना है, ज़्यादा देर तक भी फ्राई नहीं करने, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राउन होते होते जलने लगेगा। ऐसे करके इसको प्लेट के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा इसको हटा के इसके सारे नमक जो है निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको छन्नी में डालें, और छन्नी में डालने के बाद फिर इसको इसके ऊपर देखिए कढ़ाई के ऊपर आप छन्नी चला दें, इसे छान दें, तो सारे नमक उसमें गिर जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का छन्नी है आपके पास, उसमें छान सकते हैं। तो देखिए इसे छान लें, देखिए चावल मेरा पूरा साफ हो गया है, इसमें कोई भी नमक नहीं है, कोई भी गंदा नहीं है, और नमक वहाँ यहाँ आ गया है कढ़ाई में। अब इसमें फिर से चावल डालें, और फिर से यही 2-4 मिनट इधर उधर घुमाते रहें, चलाते रहें, और ये चावल पूरी अच्छी तरह से चटक जाएगा, पूरा भुंजा की तरह। ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट में आपका नाश्ता तैयार है, और वो भी चटपटा नाश्ता, अपने मन पसंद अनुसार इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सारे फूट गए हैं चावल, और फूले फूले लग रहे हैं एकदम, पूरे झाल मुड़ी एकदम घर में बनाया ठेला जैसा। 2 मिनट में इसमें हरी मिर्च डाली हूँ, प्याज डाली हूँ एक, और हरा धनिया और मिक्सचर, ये सारे मिला के, थोड़ी सी तेल, नमक तो है लेकिन फिर भी कच्चा प्याज डाली हूँ इसलिए नमक थोड़ी सी, सेंधा नमक, ये तो आप ये काला नमक डालें, और नाश्ता देखिए तैयार है मिक्सचर।